मुंबई के दहिसर पूर्व के सन मित्र मंडल केतकी पाड़ा द्वारा हर साल की तरह इस साल भी शिरडी के साईं बाबा की पैदल पालकी यात्रा का आयोजन किया गया था, जहां सैकड़ों लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिरडी तक पैदल जाकर साईं बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। शिवसेना शिंदे गुट के शाखा प्रमुख प्रकाश पुजारी के अनुसार पिछले 15 सालों से सनमित्र मित्र मंडल द्वारा पैदल पालकी यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस पैदल यात्रा में करीब प्रतिदिन 25 किलोमीटर का सफर पैदल चलकर पूरा किया जाता है और सभी लोगों के लिए खाने और सोने की व्यवस्था रास्ते में ही की जाती है। इस बार 16वां साल है और युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश देते हुए यह पालकी 8 जनवरी 2024 को शिरडी पहुँचेगी। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता अकबर शेख की यह खास रिपोर्ट। देखिए, ये 16वां साल है हमारे लिए। हमारे मंडल के अध्यक्ष संजय मोरे इनके नेतृत्व में साईं बाबा का पालकी निकलता है हर साल प्रमाणे। आज 31 तारीख है, 31 तारीख को लोग कोई लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पर पीते हैं, तो हमारे संजय मोरे हमारे अध्यक्ष का कहना है कि हम लोग हर साल ये है युवा के लिए अच्छा संदेश है कि शराब पी के मजा नहीं करना। ये हिंदुस्तान की कल्चर नहीं है, हिंदुस्तान की कल्चर है वो बाहर की कल्चर है, हिंदुस्तान की कल्चर है देव धर्म में ये रखिए। ये पालकी किस रास्ते से होकर जाएगी और कितने दिन में पहुंचेगी? देखिए, ये पालकी अभी यहाँ से निकली गई है, टोटल 8 तारीख को सीढ़ी में पहुंचेगी। और इस पालकी के लिए सहकार्य खास करके हमारे आमदार प्रकाश सूर्य जी हो, राज सूर्य जी हो और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब आए। अब देखिए, अयोध्या में उधर राम जी का तैयारी चल रही है, यहाँ साई बाबा की हमारे मंडल के अध्यक्ष संजय मोरे पालकी निकाल रहे हैं। जो पैदल आपके साथ जा रहे हैं भक्तगण, उनके रास्ते में चाय पानी की व्यवस्था कैसे? सभी हमारे 25 किलोमीटर में खाने का आचार्य जो खाना बनाने वाला है वो हर 25 किलोमीटर में दो दोपहर में शाम का खाने का बहुत बढ़िया सुविधा है। कोई बाबा के तारीफ था, इसमें कोई कमी नहीं गिरती है। सभी ओम साई राम। आमच्या सन्मित्र मंडळाचं यंदावर 16वं वर्ष आहे। आम्ही बाबांची पालखी काढण्याचं आमचं एक मोठी संकल्पना होती की आमच्या गावाला संरक्षण मिळालं पाहिजे आणि सर्व धर्म समभाव या एक मताने आम्ही इथे पायी पायी जातो आणि हा मेसेज देतो। आणि आमच्या ह्या पालखीचं एक मोठं वैशिष्ट्य आहे की मुंबईच्या सगळ्यात वजनी पालखी आहे आणि जेवढे साई भक्त आहेत ते एका ठिकाणाहून येतात गावातून आणि आम्हाला जॉईंट होतात आणि एक परिपूर्ण असं मॅपिंग प्लॅनिंग करून आम्ही शिस्तबद्ध या पालखीचं स्वरूप म्हणून घेऊन जातो। तुम्हाला याचं हे दिसत पण आहे की कशा प्रकारे आमचे सल्लागार प्रमुख प्रकाशदा पुजारी हे आमच्यासाठी खूप मोठे बॅकबोन आहेत, जे आम्हाला या पालखीसाठी नेहमी गायडन्स करत असतात। आणि या पालखीचं स्वरूप तुम्ही दिसतं तुम्हाला की किती मोठ्या प्रकारे सगळ्या पूर्ण जगभरामध्ये 31 डिसेंबर एक जल्लोषाने वेगळ्या प्रकारे अल्कोहोलिक आणि हे म्हणतं, पण आमचा मंडळ एक असा वेगळ्या प्रकारे एक मेसेज देतो की 31 तुम्ही एक चांगल्या प्रकारे एक संकल्पना घेऊन नवीन काहीतरी आपलं करायला पाहिजे, त्या स्फूर्तीने आम्ही नवीन वर्षाची सुरुवात करतो। ओम साईराम। डिसेंबरला हे पालखी घेऊन निघाला आमचे मंडळ आहे, गेली 55 वर्ष काम करत आहे, कार्यरत आहे कला शिक्षण आणि क्रीडामध्ये। तर आमच्या मंडळाचे जे पदाधिकारी आहेत, दादा सकपाळ, प्रकाश दादा पुजारी, संजय मोरे, त्यांची ही जी एक संकल्पना होती की आम्हाला गावातून एक अशी पालखी निघाली पाहिजे की आपल्या गावामध्ये एकमत एक संघटना राहिली पाहिजे की सर्व धर्म समभाव, सर्व जातीय धर्माचे लोक इथे राहतात, तर सगळ्यांना एकजूट आणून या पालखीमार्फत एक मेसेज देतो। म्हणून ती संकल्पना आमच्याकडे आली आणि आम्ही सर्व धर्म समभाव करून या पालखीचा संदेश आम्ही देतो।